हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस ड्राइंग ट्यूटोरियल में हम एक एक्रेलिक पेंटिंग करेंगे। श्री कृष्णा जी की एक पेंटिंग को हम कैनवस पे पेंट करेंगे विद एक्रेलिक कलर्स। तो इसके लिए मैंने 16x20 इंचेस का एक कैनवस लिया है। आप कैनवस छोटे या बड़े साइज जिसी का भी ले सकते हो। तो किसी भी कंपनी का कैमल या किसी भी कंपनी का कैनवस ले लो। तो ये हमने 16x20 इंचेस का एक कैनवस लिया है। तो इसके ऊपर हमने कृष्णा जी की ड्राइंग करनी है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ। आप चाहो तो ग्रिड मेथड की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कृष्णा जी की ड्राइंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। जब भी कैनवस पर ड्राइंग करनी है तो बिल्कुल लाइट पेंसिल से करनी है, क्योंकि कैनवस से इरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप चाहे ग्रिड मेथड की हेल्प से ही वहाँ पर उसको ड्रॉ करो, और अगर आप कॉन्फिडेंटली पेंसिल को कमांड रखते हो तो फिर आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। तो इस तरह हमने फ्री हैंड ड्राइंग कर लेनी है इसकी। जो हमारा ड्राइंग कंपटीशन था इंडिपेंडेंस डे, उस पर मैंने बेस्ट 22 निकाले थे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन भी था। ये देखिए, ये जजमेंट किस हिसाब से करनी है ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। और जिस हमने पूरा प्रोपोर्शन देखना होता है। अगर आपने किसी का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है तो एटलीस्ट उसका फेस बिल्कुल मैच करना चाहिए उसके साथ, बाकी शेडिंग और कलरिंग बाद की बात है। अगर आपका फेस उसके साथ मैच नहीं करेगा तो वो पोर्ट्रेट किसी और का माना जाता है। तो मेरे हिसाब से वो परफेक्शन नहीं है। सबसे पहले हमें इमेज को, जिसका भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो उसको एज इट इज़ हमने उसका फेस मिलाना होता है, उसके बाद कलरिंग की बात आती है। ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रख के उसी से हमने कोई डिसीज़न लेना होता है। इसलिए बिना मतलब के कोई कमेंट नहीं करना चाहिए आपको। तो अभी आपकी ये बिगनिंग है, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें पता चलेगी। शुरू में या ऐसे नहीं कुछ ऐसा आपने सोचना है। तो जो हम डिसीज़न है बिल्कुल फेयर करते हैं, और ये इसमें हमने कोई एंट्री नहीं लेनी होती है। तो हम तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आप लोगों का स्किल डेवलप करने के लिए ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डिसीज़न सही नहीं है तो आप प्लीज़ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कीजिए। जहाँ पे फेयर डिसीज़न होता है वो उन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये ड्राइंग करने के बाद सबसे पहले हमने येलो कलर के साथ इसकी बैकग्राउंड कर लेनी है। तो ये बाकी पोर्ट्रेट आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।